Hi guys, good morning. Today we are going to learn ratio and proportion. दोस्तों YouTube पर आपसे मिलने का मन बहुत पहले से था, किसी कारणवश या यूँ कहें कि शेड्यूल ऐसा बन नहीं पाया कि हम पहले जुड़ पाएँ, लेकिन अभी हम जुड़ रहे हैं YouTube पर और जो पहला हमारा जो चैप्टर हम ले रहे हैं वो ले रहे हैं रेशियो एंड प्रोपोर्शन, अनुपात और समानुपात। दोस्तों रेशियो एंड प्रोपोर्शन की डेफिनेशन में और इनकी परिभाषाओं को लिखने में हम जो वक्त जाया करें उसकी बजाय हम सीधे क्वेश्चंस पर आ रहे हैं, जो क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चंस हैं, छोटे छोटे जो क्वेश्चंस हैं, हम पहले जो क्लासरूम पहला जो हमारा वीडियो है क्लासरूम का उसमें हम क्या कर रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे कंसेप्ट ले रहे हैं, उसके बाद में हम विथ डिटेल स्टार्ट करेंगे, डिटेल से लेंगे एक एक चीज़, कंप्लीट चीज़ें हम कवर करेंगे। तो कुछ चीज़ें हम यहाँ पर कवर करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले देखो क्वेश्चन नंबर वन हमारा है क्या, क्वेश्चन नंबर वन में बोला गया है यदि ए अनुपात बी 5:9 है, बी अनुपात सी 6:7 है, तो आपको ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है, यानी ए बी सी का एक साथ रेशियो पूछा है, ए बी और बी सी का अलग अलग गिवन है। पहले हम देखते हैं दोस्तों जनरल मेथड, सामान्य तरीका जो सभी लगाते हैं और वो क्या है। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, ए अनुपात बी अनुपात सी ऐसे लिख लिया दोस्तों, ठीक है। तो दोस्तों हम ए अनुपात बी के नीचे ए अनुपात बी लिख देते हैं, कितना है 5:9, तो हमने लिख दिया 5:9। बी अनुपात सी के नीचे हम लिख देते हैं बी अनुपात सी, तो वो दोस्तों कितना है 6:7। सामने जगह खाली है 9, सामने जगह खाली है 6, मल्टीप्लाई करना है दोस्तों। सामने यदि जगह खाली होती है तो आपको वही रखना होता है, यही हमारा जनरल मेथड है जो सबसे आसान तरीका हम लगाते हैं। अब हम देखेंगे 5:6 30, 9:6 54 और 9:7 30, ये 63। तो देखो 30, 54 और 63, दोस्तों 3 से छोटा कर लेते हैं तो 10, 18 और ये अपने पास दोस्तों आ जाएगा 21, यानी आ गया 10:18:21। तो ये दोस्तों हमारा जो मेथड था वो मेथड था जनरल मेथड जो हम लगाते हैं। अब दोस्तों हम देखेंगे कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए, मान लीजिए सेम ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ गया, सेम ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया, तो आपको जल्दी कैसे करना है, कैसे सोच सकते हो, बाई ऑप्शन आप कैसे कर सकते हो। तो दोस्तों इस मेथड को आप चाहे तो भूल सकते हैं यदि डायरेक्ट ये आपके पास क्वेश्चन आए तो, और यदि आपके पास क्वेश्चन में यूज हो रहा है तब आपको ये आना भी जरूरी है। तो दोस्तों देखते हैं डायरेक्ट आप कैसे कर सकते थे। आपको डायरेक्ट यदि ऑप्शन चेक करने के लिए कहा जाता और ये चीज आपके पास ना होती और ना ही आपने ऐसा कुछ किया होता, बहुत ही काम की चीज है दोस्तों, एक बार समझ जाओगे तो ऐसे क्वेश्चन आपके लिए चुटकियों में होंगे, ठीक है। दोस्तों देखते हैं, शुरुआत करते हैं, ए अनुपात बी कितना दिया हुआ है 5:9। तो दोस्तों देखो पहला जो ऑप्शन है उसमें आपको 5 का भाग देना है, क्योंकि ए अनुपात बी यहां पर लिखा हुआ है, तो यहां पर भी पहले ए अनुपात बी है, उसके बाद में आगे है अनुपात सी का, तो आपको क्या करना है 5 का भाग देना है पहले में, तो कितना आया 2, 5 का भाग 10 में दिया 2। एक बार हम लिख के देख रहे हैं, बाद में लिखने की जरूरत भी नहीं होगी। 9 का भाग दिया आपने 18 में, कितना आया 2। दोस्तों समान बार भाग गया, इसका मतलब ए अनुपात बी जो यहां पर है वो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, संतुष्ट कर रहा है, ठीक है दोस्तों। इसके बाद में हम बात करेंगे बी अनुपात सी की, बी अनुपात सी कितना है दोस्तों 6:7, तो 6 का आप भाग दे रहे हो 18 में, कितना आएगा 3, लेकिन 7 का भाग दोगे 35 में तो कितना आएगा 5। दोस्तों अलग अलग आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है मतलब वो ऑप्शन गलत है, ऑप्शन वो ही सही होगा जिसमें दोनों संख्याओं का भाग समान बार जाएगा। तो दोस्तों देखें अगला, आपको देखते ही समझ जाना है कि 3 बार और यहां फिर मौका पूरा पूरा जा ही नहीं रहा, छोड़ो इसको आगे चलें। तो आगे आप गए 5:10, 2 बार, 9:18, 2 बार, तो दोनों का समान बार चला गया, इस चीज का कोई फर्क नहीं है कि जितनी बार इनका जाए उतनी बार इनका, ऐसा नहीं है, लेकिन समान बार जाना चाहिए। अब 5 का दिया 2 बार, 9 का दिया 2 बार, यानी 2 और 2 समान आ गया, मतलब ये चलेगा, मतलब यहां तक सही है, जो कि हम यहां भी चेक कर चुके थे कि सही है इतना। आगे क्या हो सकता है, आप यहां पर चेक करने के बाद सीधे भी वहां पर जा सकते थे देखने के लिए, क्योंकि यहां तक तो सही है, ओके। फिर आगे देखते हैं कि 6 का दिया 18 में 3 बार और 7 का दिया 21 में 3 बार, दोस्तों फिर से क्या जा रहा है समान बार, इक्वल बार, इक्वल जा रहा है, इसका मतलब यही होगा हमारा आंसर। दोस्तों मैं आपसे वादा करता हूं और मेरी ये उम्मीद है, तमन्ना है आपसे
कि आप जो ये चीज देख रहे हो ये शायद आपको कहीं किसी भी बुक में किसी भी जगह ना मिले, बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप चाहे जो मर्जी यूट्यूब का वीडियो सर्च कर लें, चाहे जो मर्जी बुक सर्च कर लें, ये खुद के अपने बनाए हुए ट्रिक्स हैं। और ऐसा नहीं कि हम छोटे छोटे क्वेश्चंस में ही लगा रहे हैं, हम बड़े क्वेश्चन करेंगे उनमें भी हम बाई मेथड ही ये चीजें देखेंगे। पहले मेथड देखेंगे, उसके बाद में सो ट्रिक, उसको छोटा छोटे रूप में कैसे किया जा सकता है। ट्रिक निकलती है वो मेथड से ही निकलती है कि ऐसा होता क्यों है, तो समान बार भाग जाएगा तभी तो बनेगा, वरना बन ही नहीं पाएगा। दोस्तों आगे देखते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन में हमें वो लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट में तो ये तीनों ऑप्शन इनकरेक्ट हो गए, क्योंकि फिर आपको पता है पांच का एक में दे रहे हैं, नौ का दो में दे रहे हैं, समान बार आएगा ही नहीं, वो तो बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया, सीधा सीधा दिख रहा है, गलत है। यहां पर आते हैं दोस्तों, तुरंत आपको करना है, फटाक से करना है। पांच का भाग दस में दो बार, तीन का भाग सात में दो पॉइंट कुछ आ रहा है तो समान नहीं गया, मतलब ऑप्शन गलत। पांच का भाग दस में दो बार, तीन का भाग छह में दो बार, दोस्तों यहां पर आ रहा है इतना सही। आगे चेक करते हैं, दो का भाग छह में तीन बार, पांच का भाग पंद्रह में तीन बार। ओहो हो हो, ये मैच हो गया भाई, ये मैच हो गया, इसका मतलब ये ऑप्शन करेक्ट। और यदि आप आगे के देखना चाहें कि आगे मैच हो रहा है क्या, तो किसी में भी आप डिवाइड कर लो, वो नहीं जा रहा। तो दोस्तों ये था आपके लिए एक जानदार शानदार सा एक छोटा सा ट्रिक, और ऐसे ही हम आगे और क्वेश्चंस लिखते हैं। तो मैं आपका टाइम सेव करने के लिए ये क्वेश्चंस और लिख देता हूं सामने। हाय गाइस, कल हमने टू क्वेश्चंस किए थे और उसके बाद में आगे क्वेश्चंस करना नहीं हुआ था, तो आज हम उससे आगे चलते हैं और नेक्स्ट पार्ट करते हैं क्वेश्चंस का। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर थ्री हमने लिखा है कि यदि ए अनुपात सी 2:3 है, बी अनुपात सी 5:7 है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी ज्ञात कीजिए। दोस्तों कल हमने जो क्वेश्चन किए थे वो ऐसे किए थे कि हमें ए अनुपात बी दिया हुआ था और बी अनुपात सी दिया हुआ था, और हमने ए बी सी का पूछा था। और आज जो हमारे पास क्वेश्चन है इनमें हमारे पास कहीं भी बी कॉमन नहीं है, यहां कॉमन पार्ट क्या है, सी। तो इसका मेथड तो क्या होगा कि हम सी को बीच में रखेंगे, ए और बी को दोनों साइड रखेंगे और आगे सोल्व करेंगे, और उसी प्रकार से कि सामने वाले की जगह सामने वाला रख देंगे और वैसे ही आपको सोल्व करना है। अब दोस्तों हम क्या करेंगे कि उस मेथड की बजाय कल जैसे हमने किया था उसी तरीके से करते हैं। अब देखो यहां आपके पास लिखा हुआ है ए अनुपात सी, यहां आपके पास लिखा हुआ है बी अनुपात सी, और आपको ए अनुपात बी अनुपात सी पूछा है। तो देखो ए अनुपात सी आप चेक कर लो इन ऑप्शंस में से कि इस 2:3 से कौन सा मैच हो रहा है। आपने ए में ए का भाग देना है और बी में बी का भाग देना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं, दो में दो का भाग दिया एक बार और तीन का भाग नौ में दिया, क्योंकि यहां सी है दोस्तों, ये ए बी सी इस क्रम में लिखा हुआ है क्योंकि आंसर उसी क्रम में पूछा है। तो दो में दो का भाग एक बार, तीन का भाग नौ में तीन बार, तो एक और तीन सेम नहीं हुआ, सेम नहीं हुआ तो ये आंसर दोस्तों गलत है। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन का अगला ऑप्शन देखते हैं। क्वेश्चन का अगला ऑप्शन है कि दो का भाग आप देते हो तो 14 में तो आपके पास आता है 7, तीन का भाग यदि आप देते हो 15 में तो आपके पास आता है 5, तो ए अनुपात सी इससे मैच नहीं हो रहा, तो दोस्तों ये ऑप्शन भी आपका गलत है। फिर अगला ऑप्शन, दो का भाग 14 में दिया दोस्तों तो आपके पास आ गया 7, तीन का भाग 21 में दिया दोस्तों तो कितना आ गया 7, मतलब ए अनुपात सी जो यहां है वो इसको मैच कर रहा है इस ऑप्शन में, इतना तो सही है। फिर उसके आगे हम देखते हैं कि बी अनुपात सी भी मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, तो हम देखते हैं B कौन से नंबर पे है, दूसरे नंबर पे, तो 5 का भाग 15 में 3 बार और 7 का भाग 21 में 3 बार, दोस्तों समान बार जा रहा है, इसलिए हमारा आंसर ये ऑप्शन 3 करेक्ट है। इसके बाद में आगे मैच करना चाहोगे आप तो A अनुपात C, तो दोस्तों यहां 2 का भाग 2 में एक बार चला गया लेकिन 3 का भाग 21 में 7 बार, इसलिए ये ऑप्शन गलत हो गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 3 सही है। और दोस्तों ऐसे क्वेश्चन आपके छोटे मोटे एग्जाम्स में जैसे रेलवे में, लोको पायलट में ऐसे आते रहते हैं, और उससे पहले प्रीवियस ईयर में एसएससी में भी ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। इसमें आपको ए अनुपात बी दिया हुआ है 3:5, ए अनुपात सी दिया हुआ है 1:4, आपको पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। दोस्तों ध्यान से समझना,
और वीडियो को पूरा देखना बहुत काम की चीज़ है, इसमें हम काफ़ी टाइम लगाते हैं निकालने में। यहाँ हम तुरंत देखेंगे, तुरंत हमारा आंसर इसमें आपको क्लिक करेगा। तो दोस्तों देखो, ए अनुपात बी कितना है, 3:5। तो दोस्तों यहाँ 3 का भाग 5 में, तो आपके पास आ गया 5/3। 5 का भाग 7 में, तो 7/5। तो दोस्तों ये तो अलग अलग आ रहा है, मतलब गलत है। 3 का भाग 3 में एक बार, 5 का भाग 5 में एक बार, मतलब ए अनुपात बी इतना सही है इसमें। ए अनुपात बी कितना है कि 3 का भाग 3 में एक बार, 5 का भाग 5 में एक बार, यानी समान बार भाग जा रहा है, मतलब इतना मैच कर रहा है। फिर आगे देखते हैं, ए अनुपात सी दिया हुआ है, तो आपको ए में ए का भाग देना है 1 का भाग 3 में 3 बार, और 4 का भाग 12 में 3 बार। दोस्तों यहां भी समान मैच कर रहा है, इसलिए ये ऑप्शन नंबर सेकंड ये हमारा सही होगा। दोस्तों हमारे पास पेपर में मल्टीपल चॉइसेस क्वेश्चंस तो लगभग एग्जाम्स में होते ही नहीं है, सिंगल चॉइसेस होते हैं, तो हम सिंगल चॉइसेस क्वेश्चंस को पहले ले रहे हैं। मल्टीपल चॉइसेस को लेना होता तो मैं इसी को 2 से 3 से गुणा करके एक ऑप्शन और बना देता। अब दोस्तों अगले आप चाहो तो मैच कर सकते हो, वो मैच नहीं होंगे। जैसे ए अनुपात बी आप देखो कि 3 का भाग 5 में, तो ये 5/3, 5 का भाग 3 में 3/5, तो ये गलत है। ऐसे ही आप आगे देखोगे तो वो भी क्या है, चौथा भी गलत। ऑप्शन सेकंड आपका क्या हुआ, सही हुआ, मैच कर गया। फिर दोस्तों अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 की हम बात करते हैं। ए अनुपात बी कितना दे रखा है, 1:2। तो आपको सीधा दिख रहा है कि ये तो मैच हो रहा है पूरा पूरा, नंबर ही ऐसा कैसा लिखा गया है, तो फिर आप इतना तो मैच हो गया। फिर सी अनुपात ए देखो, पहले दोस्तों लिखा हुआ है सी, फिर लिखा हुआ है ए, तो आपको सीधा क्लिक कर रहा है तो ठीक है, नहीं कर रहा तो आप इसको ए अनुपात सी लिख लो। ये कितना हो जाएगा, 7:3, पहले ए का अनुपात और फिर सी का अनुपात, ऐसे लिख लिया, उल्टा करके लिख लिया। अब दोस्तों आप ए में ए का भाग दो, तो 7 का भाग 1 में, तो 1/7, और 3 का भाग 3 में, तो 1। तो दोस्तों ये मैच नहीं हुआ, मतलब ये हमारा ऑप्शन गलत है। इसका जो पहला पार्ट था ए अनुपात बी तक, उतना सही था लेकिन आगे गलत है। फिर दोस्तों सेकंड ऑप्शन को देखते हैं। सेकंड ऑप्शन में आपके पास ए अनुपात बी दिया हुआ है 1:2, भाग देते हैं 1 का 14 में तो 14 बार, भाग देते हैं 2 का 7 में तो 7/2। दोस्तों अलग अलग आ रहा है तो ऑप्शन गलत है, सोचने की जरूरत ही नहीं, ऑप्शन सीधा सीधा गलत है। ऑप्शन थर्ड देखते हैं दोस्तों। ए अनुपात बी आपके पास दिया हुआ है 1:2, तो 1 का भाग 7 में 7 बार, 2 का भाग 14 में 7 बार, तो दोस्तों इतना मैच कर रहा है, यानी ए अनुपात बी सही दे रखा है इसमें। फिर दोस्तों बात करते हैं सी अनुपात ए की। तो सी अनुपात ए को थोड़ी देर पहले हम लिख भी चुके हैं कि ए अनुपात सी लिखना चाहो तो आप क्या लिख सकते हो, 7:3। तो 7 का भाग 7 में 1 बार, 3 का भाग 3 में 1 बार, ए वाले का भाग ए वाले में देना है, सी वाले का भाग सी वाले में, क्योंकि ये अनुपात जो लिखा हुआ है ए अनुपात बी अनुपात सी इस प्रकार से लिखा हुआ है, इसी का आपको पूछा था। तो दोस्तों ऑप्शन थर्ड हमारा सही है, और ऑप्शन फोर्थ आप देखोगे तो सीधा सीधा ही आपको दिख रहा है कि ऑप्शन फोर्थ तो गलत है। ओके दोस्तों, क्योंकि इसमें समान बार भाग जा ही नहीं रहा। तो दोस्तों हमने ये क्वेश्चन किए हैं, कल वाले पार्ट में हमने क्वेश्चन किए थे, 2 मात्र छोटा सा वीडियो बनाया था, आज उसमें हम आगे चल रहे हैं। तो 3rd, 4th, 5th 3 क्वेश्चन और किए, अभी हम आगे और करते हैं क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हाँ तो दोस्तों पीछे क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए दे रखा है 4:5:7, और हमें पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी। पिछले जो हमने क्वेश्चन किए वो बेसिक क्वेश्चन इस प्रकार के थे कि ए अनुपात बी दे रखा है, बी अनुपात सी दे रखा है, या फिर ए अनुपात बी दे रखा है, ए अनुपात सी दे रखा है, फिर उनसे एबीसी का पूछ रहा था। लेकिन यहाँ कि जब योगफल में आ जाए तो हम किस प्रकार से करेंगे, तो दोस्तों ए प्लस बी अनुपात बी प्लस सी अनुपात सी प्लस ए 4:5:7 दे रखा है, तो आप गौर करोगे तो इस रेशियो में जब आप ध्यान से देखोगे तो 2 बार आ रहा है ए, 2 बार आ रहा है बी, और 2 बार ही आ रहा है सी, यानी टोटल रेशियो में अगर आप देखो तो ये इस प्रकार से है कि 2a + 2b + 2c यदि योग करो तो 2 कॉमन लोगे तो अपने पास आ जाएगा 2 बाहर अंदर आ गया ए प्लस बी प्लस सी। तो आपको यदि केवल a प्लस सी का योग, a प्लस बी प्लस सी का योग निकालना है तो 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, किसको, टोटल योग को, अनुपातों के योग को। तो टोटल योग देखते हैं दोस्तों कितना हो गया, 4 और 5 9 और 9 और 7 16 में 2 का भाग दिया दोस्तों कितना आएगा,
8, ये जो 8 आया ये किसका एडिशन आया, ए प्लस बी प्लस सी का एडिशन आया। अब दोस्तों यदि आपको ए का निकालना है, यदि आपको ए का निकालना है तो ए प्लस बी प्लस सी के योग में से बी और सी का योग घटा दो तो किसका मिल जाएगा, ए का। गौर करना मेरी बात पे, यदि आपको ए प्लस बी प्लस सी का योग टोटल दिया हुआ है और बी प्लस सी का भी दिया हुआ है तो ए प्लस बी प्लस सी के योग में से बी प्लस सी का घटा देंगे तो किसका बचेगा, ए का बचेगा। तो ए प्लस बी प्लस सी का योग 8 है और बी प्लस सी का योग यानी सेकेंड नंबर पर कौन सा है, 5। तो 8 में से 5 घटाओ दोस्तों कितना बचेगा, 3। आगे चलते हैं बी के लिए, तो आपको पता है बी के लिए आपको क्या करना है, ए बी सी के तीनों के योग में से 2 घटा दो, कौन से, ए और सी का योग। तो ए और सी का योग कितना है, 7। 8 में से 7 गया दोस्तों, कितना बचा, 1। ऐसे ही दोस्तों आगे बात करते हैं सी के लिए, सी का निकालना है तो ए प्लस बी का योग घटाना होगा किसमें से, टोटल में से। टोटल कितना है, 8। 8 में से दोस्तों कितना घटाएंगे, ए प्लस बी का कितना है, 4। तो 4 घटाए 8 में से तो दोस्तों कितना आया, 4। तो हम बोल सकते हैं ए अनुपात बी अनुपात सी कितना होगा, 3:1:4। ये हमारा दोस्तों आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दे दिया, तीन तीन का दे दिया, पहले दो दो का एडिशन था, ए प्लस बी प्लस सी अनुपात बी प्लस सी प्लस डी अनुपात सी प्लस डी प्लस ए अनुपात डी प्लस ए प्लस बी बराबर 7:8:9:6। तो आपको पूछा है ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी, सेम वही चीज है दोस्तों। यदि आप गौर से इसको ऑब्जर्व करो, गौर से ध्यान दो तो आपको लगेगा ए 3 बार आ रहा है, 1, 2, 3। ऐसे ही बी 3 बार आ रहा है, 1, 2 और 3, ये रहा भी 3 बार, और सी 1, 2, 3, ऐसे ही डी 1, 2 और 3, 3 बार आ रहे हैं। तो आप क्या करोगे, यदि योग करोगे तो ऐसे आएगा 3A, 3B, 3C और 3D। कॉमन यदि आप लेते हो, कॉमन यदि आप लेते हो तो 3 बाहर आ जाएगा। यानी कहने का मतलब ये है कि यदि आपको A प्लस B प्लस C प्लस D का योग चाहिए तो आपको ये 3 जो इस तरफ आपके पास था उधर भाग में भेजना पड़ेगा, ठीक है। ए बी सी डी का योग निकालना है क्योंकि ये 3 बार है सब, तो एक बार का निकालना होगा तो आपको 3 का डिवाइड करना पड़ेगा, कहां, टोटल के एडिशन में। टोटल कितना हो रहा है, 7 और 8 15, 15 और 9 24, 24 और 6 30, यानी 24 और 6 हो गया दोस्तों 30। अब 30 में आप भाग दे रहे हो किसका, 3 का, तो ये 10 आ गया। 10 किसका योग है दोस्तों, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग कितना है, 10। अब आपको जिसका निकालना है उसका आप चेक कर सकते हो। यदि आपको ए का निकालना है तो जैसे हमने पिछले में किया था वैसे ही यहां करना है, a प्लस b प्लस c प्लस d चारों का योग एक साथ है, 3 का घटाओगे तो एक उसका बचेगा जिसको आप इसमें शामिल नहीं कर रहे हो। तो a का निकालना है तो दोस्तों उसको घटाना है जिसमें a शामिल नहीं है, तो कौन से में नहीं है, इसमें। ये कितने नंबर पर है, 2 नंबर पर, तो उधर से अनुपात भी कौन सा देखना होगा, 2 नंबर का। तो दोस्तों टोटल योग आपके पास 10 है और 10 में से आप 2 नंबर का अनुपातों का योग कितना हो रहा है इनका, ये ए प्लस बी प्लस सी बी प्लस सी प्लस डी का योग आपके पास कितना आ रहा है, 8। तो आप 10 में से 8 घटाओगे दोस्तों तो आपके पास कितना बचेगा, 2। आगे चलते हैं दोस्तों, देखते हैं बी के लिए। तो दोस्तों बी के लिए आप कैसे निकालोगे, जिसमें बी शामिल नहीं है, तो बी कौन से में शामिल नहीं है, 3rd नंबर में। तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी का योग 10 है, बार बार इसको बोलने की बजाय आप सीधा आप याद रखो इनका योग कितना है, 10। 10 में से आपको किसका घटाना है, C प्लस डी प्लस ए का। ये कौन से नंबर पर है दोस्तों, 3 नंबर पर, तो कितना है, 9। 10 में से 9 घटाया दोस्तों कितना बचा, 1। अब दोस्तों देखते हैं C के लिए, तो ऐसा ऑप्शन जिसमें C नहीं है तो ये 3rd, तो डी ए बी, डी ए बी का योग कितना है, 6। 10 में से 6 घटाया दोस्तों कितना आएगा आपके पास, 4 आएगा। दोस्तों D के लिए बात करें तो D नहीं है पहले वाले में, तो A प्लस B प्लस C का एडिशन कितना दे रखा है, 7। 10 में से आपने 7 घटाया दोस्तों कितना आ गया, 3। तो ये हमारा रेशियो आ गया ए बी सी और डी का। तो दोस्तों पहले हमने देखा था पिछले 1 से 5 में कि ए अनुपात बी, बी अनुपात सी, या फिर ए अनुपात सी, ए अनुपात बी, अलग अलग कैसे भी दे दे फिर ए बी सी का एक साथ पूछ ले। अब हमने क्या देख लिया कि योग में दे रखे हैं तो हम किस प्रकार से कर सकते हैं। आशा है दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि हमने जो है भरसक यह प्रयास किया है
कि हम जितना शॉर्ट करके जितना आसान वे में आप तक पहुंचा सकें उतनी हमारी कोशिश रहेगी आपके लिए, और हम रेगुलर आपके लिए बने रहेंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए दोस्तों, और मुलाकात होगी नेक्स्ट टाइम। बाय बाय।